assalam alaikum class 7th hope so you all are fine and doing well and safe at home myself arlan shahzad and i am your computer science teacher and this is your 7th grade computer science book the name of first chapter is number system so here is your first chapter number system so as we all know that computer just understand a binary language. Computer cannot un understand our language or English or whatever but uh, what we other use. But computers just understand the language which consists of numbers zeros and ones. Understand? So We should know that how uh, computers can convert a uh, high-level language into low-level language, a uh, high-level high high-level language into binary number system, or uh, how to convert binary systems into uh, octal number, decimal, and hexa number. So we will uh, discuss these things, these stuff in this chapter. <clears throat> so, uh, we are starting from uh, the very first line we communicate with each other in a particular language made of letters or words we normally type letters or words through keyboard of computer हम जानते हैं कि हमें कोई भी चीज़ हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना हो हमें कुछ चीज़ एंटर करनी हो कुछ लेटर्स एंटर करने हो कुछ डाटा इनपुट करना हो तो हम कीबोर्ड्स के थ्रू ही डाटा को एंटर करते हैं बट कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड्स एंड लेटर्स रेदर दोज वर्ड्स लेटर्स आर ट्रांसलेटेड इन टू एज आई टोल्ड यू दैट कंप्यूटर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश कंप्यूटर विल चेंज द लैंग्वेज इन टू नंबर्स दिस मीन्स दैट कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड ओनली नंबर नंबर सिस्टम्स आर द टेक्निक्स टू रिप्रजेंट नंबर्स इन कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर ठीक है कंप्यूटर्स को जो लैंग्वेज समझ आती है वो बाइनरी लैंग्वेज है जो कि कन्जिस्ट करती है नंबर्स पे ज़ीरो और वन आप जो भी चीज़ टाइप करते हैं आप अपना नाम लिखते हैं आप कुछ पैराग्राफ टाइप करते हैं कंप्यूटर्स को नहीं पता होता कि आपने क्या लिखा है वो तो कंपाइलर एक ट्रांसलेटर होता है हम डिटेल में मैं आपको चीज़ पढ़ाऊँगा आगे वो क्या करता है कि आपने जो चीज़ भी लिखी होती है वो चीज़ को कन्वर्ट कर देता है नंबर्स के फॉर्म में ठीक है और वो नंबर्स की फॉर्म में जब डाटा कन्वर्ट हो जाता है तो वो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है और कंप्यूटर उसी नंबर की फॉर्म में ही हमें रिज़ल्ट बैक करता है और फिर जो ट्रांसलेटर होते हैं वो ट्रांसलेटर उन नंबर्स को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में वो हमारे सामने जो है वो रिज़ल्ट आउटपुट की फॉर्म में ले जाते हैं ठीक है सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाट इज़ नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट द नंबर इन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर नंबर सिस्टम इज़ डिफाइन एज अ सिस्टम ऑफ राइटिंग टू एक्सप्रेस नंबर अब नंबर सिस्टम क्या है नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटर की टेक्निक्स को कंप्यूटर की कौन सी टेक्निक्स हैं जिस पे कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करता है जो कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शंस को अब व्हाट इज इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन क्या है इंस्ट्रक्शन वो होती है जो हम कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर को कुछ डाटा एंटर करते हैं जिसकी बेस पे कंप्यूटर्स को जो है वो प्रोसेस करता है ठीक है इट इज़ अ मैथमेटिकल नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑफ गिवन सेट बाय यूजिंग डिजिट्स और अदर सिंबल्स इन अ कंसिस्टेंट मैनर इट आल्सो अलाउ अस टू ऑपरेट एथेमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन सब्रेक्शन एंड डिवीजनस अब देखें कंप्यूटर्स को डाटा हमेशा नंबर्स की फॉर्म में समझ आता है कुछ कैल्कुलेशन भी जब ये परफॉर्म करते हैं वो भी देखें नंबर्स की फॉर्म में होता है वो कंप्यूटर्स को डायरेक्ट समझ आ जाती जैसे हम एडिशन करते हैं जैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं जैसे हम डिवीजन करते हैं तो कंप्यूटर्स को कंप्यूटर्स जी ऑपरेशंस भी परफॉर्म करता है जो कि किंडोमैरिक्स नंबर्स की फॉर्म में डाटा को रिप्रजेंट किया जाता है ठीक है द वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इन नंबर कैन बी डिटरमाइंड बाई द डिजिट इट्स पोजिशन इन नंबर द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम अब देखें आप क्या होता है कि जब हम भी कोई भी डिजिट हम एंट्र करते हैं तो वो देखा जाता है वो सबसे पहले उस डिजिट को देखा जाता है फिर पोजीशन देखी जाती है कि नंबर की पोजीशन कहाँ पे मौजूद है और फिर देखा जाता है कि द बेस ऑफ नंबर सिस्टम बेस क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे ठीक है ये आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपको बेस बेस यहाँ पे भी नज़र आ रही है कि बेस यहाँ पे क्या है तो देर आर फोर टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम अब देखें फोर टाइप्स होते हैं आपके पास नंबर सिस्टम की सबसे पहला जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम है बेस टू ठीक है ये क्या चीज़ होती है ये मैं आपको बताऊंगा आगे जब आपके इससे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आप मूव करेंगे तो वहाँ पे जब हम बाइनरी से हम डेसिमल नंबर्स की तरफ जाएंगे बाइनरी से हेग्जामल की तरफ जाएंगे जब डेटा को हम कन्वर्ट करेंगे कुछ प्रैक्टिकल वर्क है थोड़ा सा वो मैं आपको रजिस्टर पे करके दिखाऊंगा तो देन आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं और बेसिकली ये नंबर्स को जनरेट कैसे किया जाता है ठीक है क्लास तो फोर टाइप्स हैं नंबर सिस्टम के सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम उसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम देन उसके बाद डेसिमल नंबर सिस्टम है एंड देन उसके बाद हेक्साडेसिमल डेसीमल नंबर सिस्टम है ठीक है जो आगे बेस लिखी है बेस टू बेस एट बेस टेन एंड बेस सिक्सटीन आपके नेक्स्ट टॉपिक्स अपकमिंग टॉपिक्स जो हैं उसमें ये चीज़ डिटेल में आपको बताई बताई जाएगी तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी आपने ये चीज़ आपको बिल्कुल बहुत आसान तरीके से जो है वो मैं आपको समझा दूंगा आपको समझ आ जाएगी ठीक है तो इस टाइम पे आपने जस्ट जो चीज़ याद रखनी है वो वट इज़ नंबर सिस्टम कि हमारे पास नंबर सिस्टम क्या है एंड वट आर द फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स और हमारे पास फ़ोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स कौन कौन से हैं ठीक है क्लास तो ये चीज़ आपको इस टाइम तक याद रखनी है अब हम अगला टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आपको जो होमवर्क होगा वो आपके पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा आपने पोर्टल पे जाना है जो आपको होमवर्क मिलेगा जो आपको रिटर्न फॉर्म में होमवर्क अगर मिला तो आपने कंप्यूटर साइंस के लिए एक अलग से नोटबुक नीट नोटबुक वो अपनी जो है वो अलग से बना लेनी है जो भी आप लोगों को नीट काम करने के लिए जो होमवर्क दे दिया जाएगा आपने नीट एंड क्लीन वो कॉपी के ऊपर उतार लेने काम ठीक है जब फिज़िकल क्लासेस के लिए आप आएंगे स्कूल में तो जितना भी काम हो चुका होगा वो सारा का सारा काम मैं आपका चेक कर लूँगा ठीक है और साथ साथ चीज़ों को याद भी करना है आपने ठीक है क्लास तो होप सो आपको आज का ये टॉपिक समझ आ गया होगा इंशाल्लाह अब हम लोग अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़